हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों फीटर ट्रेड के अंतर जो पोस्ट आती है इलेक्ट्रिक TRS, यानी दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रिक TRS 2024 वाली पोस्ट की बात करें जो अभी टेक्नीशियन के अंदर मेंशन है। इसमें फीटर वाले भी एलिजिबल है दोस्तों, वेल्डर वाले भी एलिजिबल है एंड इलेक्ट्रीशियन वाले भी एलिजिबल है इसमें, यानी सभी लोगों के लिए ये पोस्ट एलिजिबल है। तो देखिए पोस्ट की प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल देखिए, पूरी जानकारी, पोस्टिंग, ड्यूटी आवर्स और दोस्तों प्रमोशन के बारे में इसमें टोटली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और सैलरी एंड अलाउंस के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। अब पहले देख लीजिए दोस्तों इसका जो काम क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी जो जनरली ड्यूटी होती है हमारी लगभग लगभग डे शिफ्ट में चलती है, लगभग लगभग हर एक जगह दोस्तों डे शिफ्ट में ड्यूटी होती है और 8 घंटे की ड्यूटी लगभग लगभग होती है। क्योंकि जो ये वर्कशॉप होती है दोस्तों, यानी इलेक्ट्रिक लोको सेट जो वर्कशॉप होती है, या तो दोस्तों एक्स सिटी में मिलेंगी या आपको वाई सिटी में प्रॉपरली ज़्यादातर वहीं पे मिलती हैं जहाँ बड़े जंक्शन होते हैं, यहाँ पे बड़े स्टेशन होते हैं उनका रख रखाव, बड़ो जहाँ पर इंजन ज़्यादा आते हैं, गाड़ियाँ जाते हैं ज़्यादा बन के चलती है, वो इंजन जंक्शनों से ही गाड़ी ज़्यादा बन के चलती है, तो वहाँ पर ही ज़्यादा इसकी जो होती है दोस्तों इनकी जो वर्कशॉप होती है। तो दोस्तों ये जो वर्कशॉप देख लीजिएगा, ये भिलाई वर्कशॉप का है दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई वर्कशॉप। और ऐसे देखे वर्कशॉप देखे दोस्तों इलेक्ट्रिक लोको सेट टूडला वर्कशॉप। अब देखिए दोस्तों इसमें जो पोस्ट क्राइटेरिया की बात की जाती है दोस्तों, इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। और दोस्तों प्रोसेसर सेलेक्शन प्रोसेसर की बात की जाए तो टेक्नीशियन में इस बार से सिलेबस चेंज हो गया दोस्तों। आपको फॉर्म लगाने के बाद में फर्स्ट यानी CVT फर्स्ट क्वालिफाई करके अगर आप कट ऑफ के अंतर आते हो और उसके बाद में DV एंड MU से सेलेक्ट होकर फाइनल कट ऑफ DV अगर ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग के बाद में तुरंत आपको दोस्तों 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल भी कराया जाता है और कुछ आपको ऐसे रफली लिखाया लिखा कर भी समझाया जाता है। तो दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में हो गया और आगे देखेगा दोस्तों इसकी जॉब जो जॉब डिस्क्रिप्शन होते हैं वो क्या क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। आगे देखेगा इसकी जॉब प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल में देखेगा दोस्तों टेक्नीशियन TRS इज पोस्ट इन ट्रिप सेड, यानी ट्रिप सेड लोको सेड ETC, यानी ट्रिप सेड लोको सेड ETC में आपकी पोस्ट हो सकती है। और आगे देखिए दोस्तों आगे है देखिए, देयर आर वर्जली सिलेक्शन इन द लोको सेड, लोको सेड में देखिए कौन कौन सी कंपार्टमेंट होते हैं जिनमें देखिएगा जहाँ इलेक्ट्रिक लोको सेड होते हैं। बोगी सेक्शन होता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन होता है, एक ट्रांसफार्मर सेक्शन होता है। इन सेक्शनों पे आपके यहाँ पे होते हैं इसमें जॉब लगते हैं। ऑल द सेक्शन हैव SSC इन इंचार्ज एंड टेक्नीशियन अंडर टीम, यानी SSC के अंडर में आप वो इंचार्ज होता है, उसी के अंडर में टेक्नीशियन की टीम काम करती है। आप देखिए सम आर द स्पेसिफिक सेक्शन लाइक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन VR CPU इज लोकेटेड द CPU एंड फॉर दम कन्फर्म बिहेल, देख लीजिए बिल जो होते हैं दोस्तों उसके बारे में बात की। आप देखिए दोस्तों जो ये वाला जो ये है दोस्तों ये भी एक व्हील होता है ये पहिए के नीचे, तो इस सेक्शन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो सेक्शन होता है ये बोगी सेक्शन होता है। इसमें क्या 4 पहिए आगे पे होते हैं, 4 पहिए पीछे होते हैं, तो 2 बोगी सेक्शन होती है। और देखिए दोस्तों अब दोस्तों आता है दूसरा सेक्शन होता है इलेक्ट्रिक सेक्टर, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक सेक्टर में देखिए प्लेंटो जो पेंटो होता है इसके बारे में इसमें देखना होता है कि इसमें तो कोई ख़राबी नहीं है, पेंटो के ऊपर जो टायर वायर होते हैं उसमें कोई ख़राबी नहीं है दोस्तों, हेडलाइट और जो ये लाइट वाइट होती है इनके बारे में जो इनका मेंटेनेंस होता है उन्हीं के देख रेख होता है, मेंटेनेंस होता है। इस तरह से भी देखिएगा दोस्तों लोको को ऐसे ऊँचा लटका के इस पर, मतलब ये लोको सैड है यानी इलेक्ट्रिक लोको सैड है, इसमें ऐसे मेंटेनेंस होता है लोको में अगर कोई ख़राबी हो जाती है तो। दोस्तों ये देखिएगा इलेक्ट्रिक लोको है दोस्तों और इसमें देखिए कोई ख़राबी होती है तो ऐसे इसको मेंटेनेंस किया जाता है। ये देखिए लोको खड़े हैं दोस्तों और ये प्रॉपरली इलेक्ट्रिक लोको है पूरा। अब जो तीसरा सेक्शन होता है दोस्तों ट्रांसफार्मर सेक्शन, ट्रांसफार्मर सेक्शन में क्या है लोको में जो जितना भी जनरिक लोको के अंदर जो DC करंट बनती है वो ट्रांसफार्मर सेक्शन से बनती है, उसमें जो मतलब एक्टिविटी होती है लाइट की एक्टिविटी होती है उसी का सबका नियंत्रण इसी ट्रांसफार्म सेक्शन में होता है दोस्तों। ये देखिए ट्रांसफार्म सेक्शन है दोस्तों लोको का, ये देखिए दोस्तों। अब आगे बात करती है दोस्तों कि इसमें प्रमोशन की क्या क्या सिस्टम है, यानी आपका जो प्रमोशन आप एज ए टेक्नीशियन थर्ड ज्वाइन करोगे उसके बाद में आपको प्रमोशन कैसे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों टेक्नीशियन थर्ड के बाद में आपका जो प्रमोशन होता है दोस्तों
2 से 3 साल में आप टेक्नीशियन सेकंड में प्रमोट कर दिया जाते हो बिगर कोई एग्जाम दिए हुए। आगे दोस्तों 3 से 4 साल में आप टेक्नीशियन फर्स्ट में प्रमोट कर दिए जाते हो, जो पे लेवल 5 की पोस्ट है एंड बेसिक इसका 29,200 पर। एंड दोस्तों आपको 5 से 6 साल में, इसके बाद 5 से 6 साल में एम सी एम के में प्रमोट कर दिया जाते हो, जो कि पे लेवल 6 की पोस्ट है, 34,400 इसका पे बेसिक है। तो दोस्तों यहाँ तक एम सी एम तक तो आप बिगर कोई एग्ज़ाम दिए प्रमोशन ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको जल्दी निकलना है, जैसे कि आप और JEE TRS एंड SSC TRS के लिए दोस्तों LDC के एग्ज़ाम देके आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर दोस्तों आपको जल्दी निकलना है तो GDC एग्ज़ाम यानी GDC की एग्ज़ाम देके आप गार्ड बन सकते हो, TT बन सकते हो, स्टेशन मास्टर बन सकते हो, और भी कई पोस्ट आती है GDC के रिगार्डिंग, तो वो आप बन सकते हो दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, सबसे मेन चीज़ है सैलरी। अगर हमें सैलरी कितनी मिलेगी, अगर टेक्नीशियन TRS पे हम सिलेक्शन हो रहे हैं तो हमें कितनी सैलरी मिलेगी, तो देखिए दोस्तों सैलरी की बात की जाती है तो टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है और इलेक्ट्रिक TRS वाली पोस्ट है। इसका जो दोस्तों प्रेजेंट में बेसिक 19,900 है, और प्रेजेंट DA के हिसाब से दोस्तों इसका जो DA बनेगा 50,000 के हिसाब से, यानी 50% के हिसाब से जो DA बनेगा 99,950 रुपये। XY और ZCT में दोस्तों इसका जो HRA मिलेगा, XCT में इसका HRA 6970 रुपये मिलेगा, जैसे 30% के हिसाब से दोस्तों। YCT में 3980 रुपये मिलेगा ऐसे 20% के हिसाब से, और ZCT में 1990 रुपये मिलेगा ऐसे 10% के हिसाब से। और TA की बात करें एंड DA की बात करें तो ये देखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो दोस्तों ये हो जाता है 2025 रुपये प्रजेंट में 50% DA बढ़ने के बाद में। आगे देखिए दोस्तों, XCT में अगर आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो 37,800 यानी 37,845 के आसपास सैलरी मिलती है। YCT में अगर आपको ज्वाइनिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ सैलरी हो जाती है 35,855। और अगर ZCT में आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो दोस्तों यहाँ भी सैलरी अच्छी खासी 33,865 सैलरी हो जाती है। तो दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिखा दूँगा। एंड दोस्तों जो टेलीग्राम का नाम है दोस्तों KDM19 है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।